बच्चों हम पांच रिएक्शन करने वाले चैप्टर वन की, तो ध्यान से देखना लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है नाम से पता चल रहा है कंबाइन होना, जब दो चीजें आपस में कंबाइन होती है तो एक नया प्रोडक्ट हो जाती है, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है इसका कार्बन प्लस में ओ2। जब कार्बन को कोयले को जब जलाते हैं चेंज की वजह से तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है CO2। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जब दो चीजें आपस में मिलती है कंबाइन होती है तो यहाँ पर बनती है नहीं एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देख सकते हो CaO प्लस में H2O। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा CaOH का होल प्राइस प्लस में हीट निकलेगी, इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं स्विक लाइन, इसे कहते हैं क्विक लाइन, इसको कहते हैं स्लेग लाइन, इसे कहते हैं स्लेग लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो दो चीजें हैं, दो चीजें कंबाइन होकर एक चीज बन रही है, जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का फॉर्मूला भी यही होता है, चौक का फॉर्मूला भी यही होता है, लाइम स्टोन किसी को कहते हैं। ठीक है, लाइम स्टोन किसी को कहा जाता है, ये चौक का फॉर्मूला भी है और लाइम स्टोन भी किसी को कहते हैं। मार्बल किसी को कहते हैं, तो मार्बल जो आपने देखे होंगे जो संगमरमर का जो पत्थर होता है वो मार्बल भी कहते हैं, तो मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है और इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको ये जब टूटता है तो दो चीज बनाता है, इसको कहते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब टूटना, तो यहाँ पे इसका क्या नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने यहाँ बताया था सुक्विक लाइन भी कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों देखो, एक हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है, हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या करता है डिस्प्लेस करता है इसको लो रिएक्टिव मेटल को। कैसे, एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आएगा, जैसे कि Fe प्लस में CuSO4। यहाँ पर क्या है, जो आयरन है ऐसे मतलब आयरन, ये क्या है हाई रिएक्टिव मेटल, ये क्या करेगा कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों इसने इसको क्यों हटाया, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो जो हाई रिएक्टिव वाला होता है लो रिएक्टिव वाली को उसकी जगह से हटा देता है। यहाँ पर बन जाएगा आपके पास FeSO4 प्लस में Cu। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका कलर ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, तभी रिएक्शन हो जाती है, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम इस तरह से करके देखें, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं Cu प्लस में FeSO4 ऐसे कर देते जल्दी जल्दी, तो ये रिएक्शन ऐसे ये हो ही नहीं पाएगी, नॉट पॉसिबल। क्यों, ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है और ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव को उसके जगह से नहीं हटा सकता और ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को हटा सकता, इसलिए ये वाली रिएक्शन भी मानी जाएगी। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो मेटल होते हैं आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, इस तरह से देखो, जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड BaCl2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपके पास, देखो Na भी दो है और Cl भी दो है, तो यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा आपके पास NaCl बाहर निकल जाएगा दो, क्योंकि Na भी दो है Cl भी दो है, और क्या बचे Ba बचा SO4 बचा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास BaSO4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, दो मेटल थे, एक सोडियम मेटल है एक बेरियम मेटल है, दोनों ने आपस में डिस्प्लेसमेंट किया है, यहाँ से डिस्प्लेस हुआ यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक सॉलिड कंपाउंड मिलता है आपको, बेरियम सल्फेट जो मिलता है ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है दोनों के मिलाने से, और इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट कहते हैं इसको, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे चार रिएक्शन की, इस रिएक्शन का एक और नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है बच्चों, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट कौन है इसमें, प्रेसिपिटेट में बेरियम सल्फेट, जो कि घुलता नहीं है, जो इनसॉल्युबल होता है पानी में जो घुलता नहीं है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो
डबल डिस्प्लेसमेंट पीसी को कहते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पीसी को कहते हैं। तो हमारे पास पांच रिएक्शन मैंने करवा दिया आपको, चार दिए थे, पांच की रिएक्शन दी है इसको आप प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप ये लिख सकते हो और ये लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर इसी नेक्स्ट वीडियो में हम पांच रिएक्शन और रहेंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।